हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्टेबल क्लासेस। और आज हम तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री 11 क्लास की हमने शुरू की थी, जिसका मैंने पहले चैप्टर कंप्लीट कराया है, आज उसका दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, जो कि लेसन 2 है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हरप्पन कल्चर। यानी कि प्री हिस्टोरिक इंडिया का मतलब क्या है, यानी कि जो पूर्व इतिहास होता है, जिसमें प्री हिस्टोरिक से मतलब होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना मिले, वो कहलाता है प्री हिस्टोरिक। तो यहाँ पे हम प्री हिस्टोरिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, और जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो सारे डायमेंशन हैं उसको जो है इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, पहले वो उसके हम लोग चार्ट देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे, जो इसमें स्टूडेंट को सीखने को मिलेगा, द प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो प्रागैतिहासिक जो काल है उसके बारे में हमको समझने के लिए इसमें काफ़ी डिटेल में जो है कंटेंट मिलेगा, और ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कि उत्पत्ति कैसे हुई और फिर उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है वो कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का हुआ, उसके बारे में जो है इसमें सेकंड पॉइंट हम सीखने को मिलेगा एज ऑब्जेक्टिव के तौर पे। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हड़प्पन पीपल, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका जो सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है या दशा है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से इसमें जानकारी मिलेगी। कल्चरल लाइफ ऑफ हड़प्पन, सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें, द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और एक सभ्यता जो कि इतनी तेजी से अपने आप को डेवलप करती है और नगरीय सभ्यता कहलाती है, लेकिन वो ज़्यादा जो टाइम ऑफ स्पैन होता है उसमें वो नहीं रह पाती, यानी कि एक 750 से 950 साल तक ही वो सिर्फ खाली अपने आप को व्यवस्थित रख पाती है, और उसके बाद क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। तो इसके भी सारे पॉइंट जो हैं इसमें पढ़ेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके हड़प्पन कल्चर और उसकी उत्पत्ति और डिक्लाइन के हिसाब से। तो ये वीडियो जो है आप पूरा एंड तक देखने की कोशिश करिएगा, आपको काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है जो हम शुरू करेंगे इसमें, तो इसमें देखिए पहले लिखा हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो इतिहास जो भारत में लोगों के स्टेबल होने का, सेटलमेंट से मतलब क्या होता है, एक स्थान पर रहकर अपनी जो जीवन प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से जो चलाने की प्रक्रिया होती है वह सेटलमेंट कहलाता है। और ये भारतीय इतिहास में क्या है, प्री हिस्टोरिक टाइम से है। तो प्री हिस्टोरिक टाइम से पहले की चीजें जो है हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब क्या होता है। प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब है प्रागैतिहासिक, यानी वो टाइम जब हमें इतिहास के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, तो वो इतिहास क्या कहलाता है, वो इतिहास प्री हिस्टोरिक कहलाता है। नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्रागैतिहासिक है, उसमें क्या है, लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। हाउ एवर प्लेंटी ऑफ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स आर फाउंड। तो हमें यहाँ पे ये भी सोचने की जरूरत है कि इतिहास को फिर समझने के लिए हमारे पास क्या जो अल्टरनेटिव्स हैं, तो वो क्या होंगे, तो वो क्या होंगे, वो रिमेन्स हैं। रिमेन्स का मतलब क्या होता है कि जो प्रागैतिहासिक जो तत्व होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। बहुत अलग अलग छिन्न भिन्न टुकड़ों में जो है कई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें, फॉसिल्स के तौर पे, वस्तुओं के तौर पे, कपड़ों के तौर पे, सांस्कृतिक कुछ तत्व होते हैं उनके तौर पे जो चीज़ें मिलती हैं, फिर उनको क्या किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, और उससे एक जो है क्या होता है कि जो असेसमेंट और एनालिसिस के बेसिस पे जो है एक इतिहास तैयार किया जाता है। तो वो जो रिमेन्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दे इंक्लूड द स्टोन टूल्स, उसमें क्या होता है, लकड़ी के वो स्टोन टूल्स होते हैं, पत्थर के जो होते हैं औजार वगैरह होते हैं, पॉटरी होती है, जो बर्तन होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, और भी कई जो कल्चरल जो चीज़ें जो बच्चों के लिए बनाई गई या आम इस्तेमाल के लिए जो सामानें बनाई जाती हैं उनको आर्टिफैक्ट्स वगैरह कहते हैं। और मेटल इम्प्लीमेंट्स, जो धातु के बर्तन वगैरह होते हैं जो प्री हिस्टोरिक पीपल्स यानी लोगों के माध्यम से जो इस्तेमाल किए जाते थे, तो वो क्या कहलाते हैं। तो ये सारे रिमेन्स हैं, ये सारे जो हैं सामान हैं, या ये सारे वो तत्व हैं जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब कि बनाया जाता है।
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल हेल्प्स, अब देखिए जो आर्कियोलॉजिकल जो मदद की तौर पे मस्ट टू अंडरस्टैंड द लाइफ, और जो आर्कियोलॉजिकल सहायता यानी कि जो पुरातत्व के माध्यम से जो चीज़ें हम लेते हैं प्राचीन जो इतिहास को और जिंदगी को और उनकी जो सांस्कृतिक समझ को समझने के लिए उस टाइम में किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे, ये भी इतिहास को तैयार करने में काफ़ी मदद करता है, हमको उस टाइम को समझने में काफ़ी मदद करता है। इन द प्रीहिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इन टू द पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक। देखिए भारत में जो प्रागैतिहासिक इतिहास है यानी कि जो प्राचीन इतिहास है जिसे आप पाषाण इतिहास भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मेनली जो उस टाइम के जो इंसान थे उनकी जीवन जो है पत्थर इत्यादि के इस्तेमाल पर ही आधारित थी। तो उन्होंने क्या किया, तो जो इतिहास है भारत का प्रागैतिहासिक उसे तीन भागों में बांटा गया, एक पैलियोलिथिक यानी कि पाषाणकालीन, ठीक है, मेजोलिथिक जो पूरा पाषाण है, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण है, ओल्ड स्टोन एज जिसे कहा जाता है यानी कि सबसे पूरा जो सबसे जो प्राचीन है पत्थरों का जो युग है, मेजोलिथिक जिसे मध्य युग भी कहा जाता है, मिडिल स्टोन एज मध्य पाषाण युग, और नियोलिथिक जो नव युग कहलाता है, न्यू स्टोन एज नव पाषाण युग, एंड द मेटल युग। फिर क्या होता है इसके बाद जो होता है मेटल एज यानी कि धातुओं का सही स्तर पर इस्तेमाल होता है, और जब धातुओं का इस्तेमाल होता है तो क्या होता है कि जो लाइफ में जो ग्रोथ होती है जो सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल उसमें क्या होती है उस तीव्र गति को दर्शाता है मेटल एज। तो चार एजेस हैं इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। हाउ एवर दीज पीरियड्स वे आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब आप इन चीज में एक चीज यह भी ध्यान रखिएगा कि ये जो काल है ये पूरी तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है फिट नहीं बैठता है यानी कि पूरी तरीके से इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है। द डेटिंग ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डन साइंटिफिकली, जो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल का जो कालक्रम जो सेट किया जाता है वो काफी वैज्ञानिक तरीके से होता है, इसकी जो तारीख होती है काफी जो साइंटिफिकली तय की जाती है। द टेक्निक ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग इज कॉमनली यूज फॉर द पर्पस, और ये जो तारीख यानी कि जो दिनांक या तिथि सेट करने की जो विधि होती है वो रेडियो कार्बन जो डेटिंग की जो तिथि होती है कार्बन 14 के माध्यम से जो है उसकी उम्र जो उम्र या आयु पता करने की जो विधि होती है वो रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन मेजरिंग द लॉस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्या होता है कि प्रत्येक तत्व में कार्बन मटेरियल की उपस्थिति होती है और एक लंबे टाइम में उस मटेरियल या उस वस्तु के अंदर कार्बन तत्वों का जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका कितना क्षरण हुआ इस आधार पे जो है उसकी आयु को जो है तय किया जाता है इसी के माध्यम से, जो यही एक तरीका है रेडियो कार्बन डेटिंग का। एनदर डेटिंग मेथड इज नोन एज अ डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, एक अलग तरीके की भी जो आयु सेट करने की जो एक और टेक्निक है जिसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि पेड़ वगैरह होते हैं, पेड़ जितना ज्यादा उम्र होते हैं जितनी ज्यादा उसकी आयु हो जाती है या जितना ज्यादा वो वृद्ध हो जाता है उसके अंदर जो है छल्ले जो है उसमें उतने ज्यादा ही छल्ले वगैरह होते हैं यानी कि पेड़ की जब आप उसको काटेंगे तो उसके अंदर आपको उतने ही ज्यादा वलय मिलेंगे, इसको जो है शुद्ध हिंदी में वलय कहा जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब भी क्या होता है, वृक्ष वलय कालक्रम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उस पेड़ के माध्यम से उस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको जो है उस पेड़ के माध्यम से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना है, यहाँ पर क्या कल्चर रहा होगा उसका भी अंदाजा वगैरह लगाया जा सकता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से। तो आई होप आपको दो जो टेक्निक्स हैं, जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन वुड्स, तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी में होता क्या है, उसमें एक्चुअल में होता यह है कि पौधे को काटने पे, जो पेड़ को काटने पे उसमें क्या होगा कि वलय बने होंगे, तो जितने ज्यादा वलय होंगे उससे ज्यादा ही उसकी उम्र या आयु का अंदाजा लगाया जाएगा कि पौधा कब जो है छोटा बड़ा हुआ इसके बारे में उसमें पता चलता है। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा जो टॉपिक शुरू होगा, पहले हम देखेंगे पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज यानी पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक पाषाण काल, ठीक है, पाषाण युग जो है जो सबसे
पहले आता है, खास करके तीनों को डिवाइड करने पे, हिस्टोरिकल बेसिस पे। आगे देखेंगे हम लोग, द ओल्ड स्टोन एज साइट्स आर वाइडली फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट। तो देखिए, जो पूरा पाषाण काल है उसके जो स्थान है, यानी कि जो उसके पूरा स्थल जिन्हें कहा जाता है, वो कहाँ पाया जाएगा, जो देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आप जब इस चीज, इस तरीके की चीजें जब पढ़ेंगे तो उसमें जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आप उसको जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तौर पे पढ़ेंगे। मैंने आपको जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है पहले चैप्टर में बता दिया है, तो आप जो है अगर कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताएं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो थोड़ा सा आसानी होगी। तो इसको आप कमेंट में आंसर करिएगा। दीज साइट्स आर जनरली लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेज। देखिए, ओल्ड स्टोन एज का सबसे बड़ा सिस्टम क्या है कि जो पूरा जो पाषाण काल है उसकी जो लाइफ लाइन है वो क्या है, वो नदी है। तो हमेशा याद रखिए कि इसकी जो साइट्स हैं, जो जनरली, यानी कि स्पेसिफिकली नहीं, जनरली जो है नदी के किनारे या एक ऐसे स्थान पर आपको मिलेंगे जहां पर क्या होगा, पानी का अच्छा सोर्स जो है उपलब्ध हो, ठीक है, यानी कि पानी के स्रोते हों। सेवरल रॉक शेल्टर्स एंड केव यूज्ड बाय पैलियोलिथिक, जो पूरा पाषाणकालीन जो पुरुष थे उनको क्या है, या व्यक्ति जो थे वो लोग कहाँ रहते थे, पत्थर की आड़ में रहते थे या गुफाओं वगैरह में रहते थे, और पूरे जो है सब कॉन्टिनेंट में इसी स्थिति में ये लोग ज्यादातर रहे हैं। दे ऑल्सो लिव्ड रेयरली इन हट्स मेड्स ऑफ लीव। बहुत ही कम एग्जाम्पल्स मिले हैं जिसमें जो है जैसे कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां और लकड़ियां वगैरह यूज करके इन्होंने झोपड़ी वगैरह बना के उसमें रहे हैं। सम ऑफ द फेमस साइट्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज, तो जो पूरा पाषाण काल है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं फेमस साइट्स के, यानी कि प्रसिद्ध स्थानों के, उन पे भी हम लोग थोड़ा से जो है प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, सोन वैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोन वैली एंड पटवार प्लेटू ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो पश्चिम, उत्तर पश्चिम का जो पटवार प्लेटू है और सोन वैली है, ये भी एक एग्जाम्पल है ओल्ड स्टोन एज साइट्स का इंडिया में। शिवालिक हिल्स कहाँ पर है, ये आप लोग आंसर करके बताइए कि शिवालिक हिल्स है कहाँ पर। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में, ठीक है। यहाँ की पेंटिंग्स जो हैं बहुत फेमस हैं, और वो भी पूरा पाषाण काल की पेंटिंग, आप उसको देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि उस काल में, हम आज के टाइम को ज्यादा साइंटिफिक बोलते हैं, लेकिन उस काल में जब रिसोर्सेज एकदम कम थे, ठीक है, तो भी लोगों के पास क्या था कि आर्ट को एक्सप्रेस करने की क्षमता आपको दिखेगी कि उस टाइम भी लोगों ने किस तरीके से आर्ट को एक्सप्रेस किया है। आदमगढ़ हिल, यानी कि आदमगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पर है, नर्मदा वैली में है, एमपी में है ये। कुरनूल इन आंध्र प्रदेश, कुरनूल भी जो है ओल्ड स्टोन एज साइट्स है एक, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और अथीरम पक्कम कहाँ पर है, ये चेन्नई में है, यानी कि तमिलनाडु में है। अब ये हमने जो है छह साइट्स जो हैं डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि आप कोशिश करें कि इनको जो है आप बाय नेम जो है और ये किस जगह पर है इनसे याद कर लें, डायरेक्ट जो है इससे क्वेश्चन आता है पेपर में। इन ओल्ड स्टोन एज, जो पूरा पाषाण काल है, फूड वॉज ऑब्टेन्ड बाई हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग ईडिबल प्लांट्स। तो क्या है कि अब जो आपको जो दूसरा एस्पेक्ट दिखेगा, यानी कि सांस्कृतिक एक पक्ष दिखेगा, यानी कि इनका खान पीन का जो तरीका था वो क्या था, ये क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे और जो पेड़ पौधों से जो चीजें गिरती थी या फल पत्तियां उनको इकट्ठा करके ये उससे क्या करते थे, अपना भोजन की जो है व्यवस्था करते थे। देयरफॉर दीज पीपल्स आर कॉल्ड एज हंटर गैदर। इसी वजह से जो है इनको क्या कहा जाता था, शिकारी और समाहर्ता। ये मैंने आपको शुद्ध हिंदी बताया, हंटर गैदरर्स, यानी कि एक शिकारी, और गैदरर्स का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, एक झुंड में रहकर शिकार करने वाले लोगों से उम्मीद लगाया जाता है ओल्ड स्टोन एज जो पीपल्स थे। दे यूज्ड स्टोन टूल्स, और ये क्या करते थे, पत्थर के हथियार यूज करते थे, हैंड साइज्ड एंड फ्लैग्ड ऑफ लार्ज पेबल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। क्या करते थे, हाथ में पकड़ने वाले थोड़ा भारी, और थोड़ा थोड़ा से क्या करते थे कि पेबल्स जो होते हैं ना, जो हल्का पतले टाइप के जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनसे भी ये क्या करते थे, पशुओं को शिकार करने में मदद लेते थे। स्टोन इम्प्लीमेंट्स आर मेड ऑफ ए हार्ड रॉक नॉन एज क्वार्ट्ज़ाइट।
क्वार्ट्जाइट जो एक पत्थर का प्रकार होता है उसका इन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है अपने शिकार वगैरह के हथियार बनाने में। लार्ज पेबल्स आर ऑफन फाउंड इन रिवर टेरेसेस, खास करके जो नदियों की जो टेरेसेस वगैरह हैं उसके किनारे पर जो पेबल्स हैं वो ज्यादातर मिले हैं और उनका भी इस्तेमाल इन्होंने बड़े स्तर पर किया है। पेबल्स क्या होता है, पेबल्स का इस्तेमाल करने की एक वजह भी है कि पतले होते हैं और धारदार वगैरह होते हैं तो पशुओं को जो है शिकार करने में इनको काफी आसानी होती है। द हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स वुड हैव रिक्वायर्ड द कम्बाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद लार्ज स्टोन एक्सेस। तो देखिए यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि जब कोई बड़े जानवर जैसे कि हाथी है और भी कई जानवर हैं, अगर उनका इन्हें शिकार करना पड़ता था तो ये क्या करते थे, ये ग्रुप में शिकार करते थे एक और लार्ज स्टोन एक्सेस की मदद से। और एक्सेस जो है जैसे कि वर्तमान में आज कुल्हाड़ियां यूज होती हैं, वो कुल्हाड़ियां उनकी थी लेकिन उसमें मेटल का इस्तेमाल नहीं होता था, वो क्या होता, देखिए यहाँ पे स्टोन एक्सेस लिखा हुआ है यानी कि पत्थर के जो नुकीले जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको लकड़ी वगैरह पे बांध के फिर ये लोग ग्रुप में जो है बड़े पशुओं का शिकार करते थे। वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, और इस किताब में ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जो भाषा थी और वो किस तरीके से एक दूसरे से जो है संचार और संपर्क साधते थे यानी कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलप करते थे, इसके बारे में भी बहुत कम जानकारी हमें मिली है। तो स्टोन एज की जो है दो से तीन आप जो है खासियत याद रखिएगा कि पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि उनकी इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हैं, और फिर दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि उनकी जो लाइफस्टाइल थी यानी कि उनकी जो जीवन शैली थी वो क्या थी, वो हंटर गैदरर्स वाली थी। हंटर गैदरर्स वाली पे मैं क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसकी दरअसल वजह है, वजह यह है कि लोग अक्सर करके गलती कर जाते हैं कि उस टाइम भी जो है हथियार वगैरह का इस्तेमाल होता रहा होगा, कपड़े वगैरह और खाने पीने का तरीका जैसे पकाने वगाने की प्रक्रिया ये ज्यादा बहुत डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि क्या है कि अभी जो है स्टोन एज जो पीरियड है वो पूरी तरीके से एक तरीके से लर्निंग प्रोसेस है और बहुत बिगनिंग की लाइफस्टाइल है। ठीक है, देयर वे ऑफ लाइफ बिकम मॉडिफाइड विद द पासेज ऑफ टाइम, और क्या होता है वक्त के साथ साथ जो है उनका जीवन अब चेंज होगा। सिंस दे मेड अटेम्प्ट टू डोमेस्टिकेट एनिमल, अब उन्होंने क्या हुआ जानवरों को जो है पालना शुरू कर दिया। मेक क्रूड पॉट्स, और उन्होंने कच्चे बर्तन बनाने भी शुरू कर दिए। ग्रो सम प्लांट्स, और उन्होंने जो है कुछ पौधे लगाने भी शुरू कर दिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि उन्होंने जानवर कैसे पाले होंगे और उन्होंने बर्तनों को कैसे बनाने के पीछे उनका क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा और उन्होंने पौधे कैसे उगाए होंगे। तो उन्होंने डोमेस्टिकेट करने के लिए देखिए क्या हुआ, अचानक एक दिन एक जो है आप मानना है यहाँ पर, ठीक है, आप जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक दिन वो शिकार करने के लिए निकला और उसने एक छोटी सी बकरी देखा, लेकिन तब उसे नहीं पता था कि ये बकरी है और ये किस तरीके का वायलेंट जानवर है या नॉन वायलेंट है ये भी उसे पता नहीं है। तो उसने क्या किया कि उसने उसके ऊपर जो है तीर वो जैसे कि स्टोन एक्स है उसको चलाया होगा लेकिन वो भागी नहीं होगी। ठीक है, जब भागी नहीं होगी तो उसे ये समझ में आया होगा कि यार इसे ये भाग नहीं रही है, तो उसने उसको पकड़ लिया होगा, वो उसको ले आया होगा। अब इसी तरीके से करके क्या हुआ होगा कि उनके पास कई ढेर सारे जानवर इकट्ठा हो गए होंगे, और जब ढेर सारे जानवर इकट्ठा हो गए होंगे तो उसको जो है उन्हें लेकर दूसरी जगह जाने पे दिक्कत होती रही होगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी जो है पेड़ पौधों की झोपड़ी वगैरह बना ली होगी और वो वहीं पर रहने लगे होंगे। फिर उन्होंने क्या किया होगा कि कुछ उनके पौधे होंगे वहीं पर उगे होंगे, और उन्होंने क्या किया कि पौधों की तो पांच पौधे लगाए होंगे, उससे कुछ फल निकले होंगे और उनके पास जो है वो पांच फल आए। अब उनको एक चीज ये समझ में आई कि जानवर भी हैं उनके पास, पौधे भी हो गए, झोपड़ी भी हो गई। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक जो है वेरिएशन दिख रहा होगा कि किस तरीके से डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, यानी कि जो वर्तमान में जो ये एक जगह पर रहने की जो प्रक्रिया है कैसे शुरू हुई होगी। फिर उन्होंने क्या हुआ खेती किया होगा, और फिर खेती से क्या हुआ थोड़ी सी फसल हुई होगी, और फसल में नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने खेती होगी शायद उस बार अच्छा मौसम रहा होगा, तो क्या हुआ कि उनके पास सरप्लस खेती हो गई। तो अब वो सरप्लस खेती का क्या करेंगे, अब जो है उसका इस्तेमाल वो करेंगे अपने घर को और अच्छा बनाने में और अपने आर्ट एंड कल्चर को भी शो करने में। अब क्योंकि देखिए एक व्यक्ति तभी जो है कला और संस्कृति का निर्माण कर सकता है जब वो सरप्लस में हो। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको जो सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट बताया, अब उसी के हिसाब से आप देख लीजिए जो मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिले में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं,
इनमें क्या है, इनमें जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं एक रिचुअल एस्पेक्ट को भी दिखाती हैं। क्या है कि उसमें जो पेंटिंग्स मिली हैं ग्रुप में शिकार करते हुए दिखाया गया है, शिकार से पहले जाने की जो है एक प्रोसेस दिखाया हुआ कि किस तरीके से पूजा वगैरह करते थे और उसके बाद फिर जाते थे शिकार करने के लिए, और उससे पहले जो है जिस जानवर को उन्हें शिकार करना होता था उसकी जो है वो वॉल पे पेंटिंग बनाते थे और उस पे फिर क्या करते थे, अचानक उस पे गुड़े जैसे का निशान बना देते थे कि आज इनका शिकार करना है। देखिए ये क्या है, ये सारा जो है आपको मैं एक चीज ये बता दूं, ये एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं, मैं जो आपको उस पेंटिंग से जो निकाले गए हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको थोड़ा समझने में जो है मदद मिलेगी, खास करके जैसे कि भीमबेटका की पेंटिंग्स वगैरह हैं उनके भी एस्पेक्ट्स आपको समझ में आएंगे। द पीरियड बिफोर 10,000 BC इज असाइंड टू द ओल्ड स्टोन, 10,000 जो BC है बिफोर क्राइस्ट है उससे पहले का जो टाइम है वो क्या है, वो पूरा पाषाण काल का टाइम कहलाएगा ओल्ड स्टोन एज का। अब हम लोग जो है दूसरा इसी में टॉपिक देखेंगे वो क्या है, वो है मेसोलिथिक या मिडल स्टोन एज यानी मध्ययुगीन पाषाण काल जो है उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड मेसोलिथिक और मिडल स्टोन एज विच फॉल्स रफली फ्रॉम 10,000 BC टू 6,000 BC। तो 10,000 BC से 6,000 BC के बीच का जो टाइम होगा यानी बिफोर क्राइस्ट के बीच का जो टाइम होगा उसको क्या कहा जाएगा, मध्य पाषाण काल कहा जाएगा या मध्ययुगीन जो है पाषाण काल कहा जाएगा या पत्थर का युग कहा जाएगा, ठीक है। वॉज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक, नव पाषाण युग और पूरा पाषाण युग के बीच का जो है ट्रांजिशनल फेज है, यानी कि एक संक्रमण काल का जो है दौर दिखेगा आपको इस मध्ययुगीन काल में। मध्ययुगीन काल को ट्रांजिशनल फेज क्यों भी कहा जाएगा, वजह यह है कि इसमें जो आपको एक चीज समझने के लिए ये मिलेगी कि जो पूरा पाषाण काल है उसके कुछ तत्व जो हैं आपको मध्ययुगीन काल में देखने को मिलेंगे, और जो नियोलिथिक एज है यानी कि नवपाषाण युग जो आने वाला है, जो नवपाषाण युग आएगा उसके कुछ तत्व जो है आपको मध्य पाषाण कालीन में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि इसे जो है ट्रांजिशनल फेज क्यों कहा जाता है, संक्रमण कालीन जो है दौर क्यों कहा जाता है। मेसोलिथिक रिमेन्स आर फाउंड इन लंगंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो इन सम प्लेसेज ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन जगह पे जो है मध्य पाषाण कालीन के कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो साइट्स वगैरह हैं और खास करके उनके रिमेन्स हैं, जो मतलब कि जो अवशेष होते हैं वो यहीं पर मिले हैं। द पेंटिंग्स एंड इनग्रेविंग्स फाउंड एट द रॉक शेल्टर्स गिव एन आइडिया अबाउट द सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द मेसोलिथिक पीपल। जो मध्य पाषाण युगीन जो लोग थे उनके जीवन के बारे में जो इम्पोर्टेंट्स, खास करके जो सामाजिक जीवन था और जो उनकी आर्थिक आर्थिक गतिविधियां थी उनके बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है यहाँ के पेंटिंग्स के माध्यम से, और रॉक शेल्टर्स जो रहने वाले जो उनके गुफा वगैरह थे जहाँ निवास करते थे उनके बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलती है। और जो मध्ययुगीन जो पाषाण काल है उसकी जो एक सबसे खास चीज आपको इसमें देखने की मिलेगी वो यहाँ के जो टूल्स थे, जो हथियार वगैरह थे, और उन हथियार का जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि यहाँ पर जो हथियार मिले हैं वो क्या है, माइक्रोलिथिक है, यानी कि बहुत सूक्ष्म आकार के हैं, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे नहीं है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होता है उसमें हमेशा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वक्त के साथ चीजें छोटी होती हैं, ठीक है। क्या होता है, पहले उनका आकार बड़ा होता है फिर वो धीमे धीमे क्या होता है, वो माइक्रो होती जाती हैं, यही जो होता है इसी को डेवलपमेंट माना जाता है। देखिए जैसे कि आज से पहले जो है 2010 से पहले आप जब मोबाइल वगैरह फोन वगैरह का साइज देखेंगे आपको बड़े दिखेंगे, लेकिन अब आते वक्ते वक्त क्या हो गया, आज जो है छोटे मोबाइल, स्लिम मोबाइल, आपको पतले मोबाइल, हल्के मोबाइल ये दिखेंगे। तो ये क्या है, ये एक तरीके का डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ द लाइफ कंटिन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाउएवर दिस सीम्स टू बी हैंड शिफ्ट फ्रॉम बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल हंटिंग एंड फिशिंग। अब देखिए इस पीरियड में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि शिकार करना और समाहर्ता वाली जो प्रक्रिया थी वो तो बनी हुई थी, लेकिन अब जो है जानवरों को चूज करना वो जो है बड़े जानवरों से शिफ्ट होकर अब वो छोटे जानवरों को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अब पहले क्या था, पहले बड़े जानवरों को इस्तेमाल क्यों करते थे, बड़े जानवरों को शिकार इसलिए करते थे कि एक बार शिकार कर लिया 2 महीने तक रख लिया, लेकिन अब लाइफस्टाइल चेंज हो गई, अब फ्रेश खाना पसंद हो गया है, अब वो छोटे जानवरों को मारते हैं 2-3 दिन में वो खत्म होता है, फिर 3rd से 4th दिन में वो शिकार की तैयारी करते हैं और अब फिशिंग वगैरह भी उन्होंने जो है शुरू कर दिए।
द यूज ऑफ बो एंड ऑल्सो बिगन ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इसमें क्या है कि धनुष और बाण का भी इस्तेमाल शुरू हो गया था, खास करके इस मध्य पाषाण युगीन में. ठीक है. ऑल्सो देयर बिगेन अ टेंडेंसी टू सेटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन एन एरिया. और इसमें जो है सेटलमेंट की भी टेंडेंसी आ गई थी, एक जगह पर ही लोग जो है अपना जीवन व्यतीत करने को जो है लालयित हो चुके थे. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं को जो है पालना शुरू कर दिए थे. हॉर्टिकल्चर यानी कि खेती की जो प्रारंभिक प्रक्रिया थी वो इसी दौर में शुरू हुई है, लेकिन वो जो है वेल डेवलप्ड नवपाषाण युग में हुई है. प्रिमिटिव कल्टिवेशन स्टार्ट, एकदम जो शुरुआती तरीके की जो खेती होती है वो शुरू हो चुकी थी. एनिमल बोन्स आर फाउंड इन दिस साइट्स एंड दीज इंक्लूड डॉग्स, डियर, बोर्स एंड ऑस्ट्रिच. यहाँ पर जो है पशुपालन के भी कई साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से कई जो जानवर हैं जैसे कि कुत्ता है, हिरन है, बोर मतलब सुअर है, जंगली सुअर है, ऑस्ट्रिच जो है इनको भी, इनकी भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जो कि एक तरीके के डोमेस्टिकेशन के एग्जांपल्स हैं. बरियल ऑफ द डेड अलोंग विद द सम माइक्रोलिथ्स एंड सेल्स सीम्स टू बी हैव प्रैक्टिस. और यहाँ पे जो है कुछ रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज भी डेवलप हो चुके थे, जैसे कि जब एक व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाती थी उसके साथ उसके हथियार वगैरह भी दफन किए जाते थे. और ये जो है एक तरीके का कस्टम जैसा सिस्टम शुरू हो गया, यानी कि तैयार होने लगा था. अब जो है हमारा जो लास्ट पॉइंट है खास करके इसमें, वो क्या है, नियोलिथिक एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नियोलिथिक एज काफी इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट. ये देखिए नियोलिथिक एज में मैं सबसे पहले जो है आपको हथियार वगैरह दिखाना चाहूंगा. ये देखिए ये जो इसमें ये जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, आपको ये पतले पतले दिख रहे हैं, मतलब ये क्लासी दिख रहे हैं, मासी नहीं दिख रहे हैं. ठीक है, ये आप इसको समझिएगा. हाँ, न्यू स्टोन एज टूल्स हैं ये. ए रिमार्केबल प्रोग्रेस इज नोटिस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द नियोलिथिक एज. तो नवपाषाण युग में क्या है कि जो मानव सभ्यता है उसमें क्या है, बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस, जो एक गति की जो तेजी है वो देखी जाती. इट इज अप्रोक्सीमेटली डेटेड फ्रॉम 6000 BC टू 4000 BC. तो ये 6000 वर्ष से 4000 वर्ष के बीच का जो टाइम है वो क्या कहलाएगा, नवपाषाण युग कहलाएगा, जो कि वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत अलग अलग भागों में, अलग अलग राज्यों में, जो वर्तमान के राज्य हैं, उस टाइम तो राज्य नहीं थे, उनमें आज भी उनके रिमेन्स कई जगह मिले हैं. दीज इंक्लूड द कश्मीर वैली, इसमें जो है कश्मीर वैली है, चिरांद एक जगह है बिहार में, और बेलन वैली है, बेलन की जो घाटी है जिसे बोला जाता, बेलन घाटी जो है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है. ठीक है, सेवरल प्लेसेस ऑफ दक्कन, और दक्कन जो प्रायद्वीप है उसमें जो है बहुत सारे हिस्से इसके मिले हैं. द इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट्स आर एक्सकेवेटेड इन साउथ इंडिया आर. और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट खास करके जो पूरा स्थल है नियोलिथिक के नवपाषाण युग के, वो कहां पर है, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर एंड कोडिकल इन कर्नाटक. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनसे जो है प्रीलिम्स वगैरह में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये स्थान आप याद रखिएगा. ठीक है, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर एंड कोडिकल इन कर्नाटक, ये कर्नाटक में है. ठीक है, पयमपल्ली इन तमिलनाडु है, और उतनूर जो है ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है. ये काफी इंपॉर्टेंस है, पयमपल्ली याद रखिएगा कहां पर ये स्थान है, तमिलनाडु में है, उतनूर कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है. द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द नियोलिथिक कल्चर्स आर द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी. तो आप इसमें एक चीज ये देखेंगे कि जो नियोलिथिक जो कल्चर थी, खास करके जो उनकी जो संस्कृति थी, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का जो वेल डेवलप्ड तरीका होता है, जैसे कि वर्तमान में जिस तरीके से खेती की जाती है उसके आपको साक्ष्य मिलेंगे. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुपालन में अब आपको वेरिएशन दिखेगी. शुरुआत में सिर्फ खाली ये एक दो जानवर पालते थे, लेकिन अब क्या है, जानवरों में वेरिएशन आ गई है, और उसको पालने के पीछे जो है इनका जो है आपको जैसे बार्टर सिस्टम वगैरह जो है उसकी भी शुरुआत देखने को मिलेगी, और ये वेरिएशन ले आएंगे. अब जानवरों को पालने का उनके पीछे एक लक्ष्य दिखेगा. ठीक है, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, जो अब ये जो स्टोन टूल्स हैं, जो पत्थर के इनके हथियार हैं, उनमें जो है ये लोग पॉलिश करने की जो है, कलर करने की जो है, उसमें प्रक्रिया शुरू करेंगे. और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज बेस्ड ऑन सेडेंटरी लाइफ. और इसमें क्या होगा कि एक तरीके की जो है गांव वाली जो जीवन जो होती है, स्थायी जीवन होती है, उसकी शुरुआत होती है. और सेडेंटरी लाइफ का मतलब यह है एक तरीके की ऐसे जीवन की शुरुआत होती है जो गांव में रह के ही सारे कामों को जो है उसके गंतव्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया से जुड़े हैं. मतलब कि एक तरीके की गतिहीन स्थिति भी आ जाती है, यानी कि स्थायित्व की स्थिति आ जाती है, यहां पर उसके बारे में बात हो रही है. आगे देखते हैं,
देयर वॉज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स यूज बाई मैन. और जो है इसमें जो है हथियारों को बनाने में जो तकनीक है उसमें जो है बहुत सुधार आता है, बहुत इम्प्रूवमेंट आता है. स्टोन टूल्स वे आर नाउ पॉलिश्ड, द पॉलिश्ड एक्सेस वे आर फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव टूल्स फॉर हंटिंग एंड कटिंग ट्रीज. और पेड़ पौधों को काटने के लिए और जानवरों को शिकार करने के लिए अब क्या है कि जैसे कि कुल्हाड़ी वगैरह है उनमें क्या किया जा रहा है, उनमें पॉलिश किए जा रहे हैं जिससे क्या हो वो ज्यादा असरदार हो रहा है. उसमें क्या है उसको बारीक किया जा रहा है. मड ब्रिक हाउसेज वेयर बिल्ड इंस्टेड ऑफ ग्रास हट्स. अब क्या किया जा रहा है, मिट्टी और जो कीचड़ वगैरह होती है उसके घर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, ना कि अब खाली घास की झोपड़ियां वगैरह नहीं बनाई जाती. व्हील्स वेयर यूज टू मेक पॉटरी. और सबसे बड़ा जो उस टाइम का जो अचीवमेंट है या जिसे जो है इन्वेंशन बोल सकते हैं वो क्या है, पहिए का इस्तेमाल किया जाने लगा बर्तनों को बनाने के लिए. पॉटरी वॉज यूज फॉर कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. और जो बर्तनों का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है, अब सिर्फ जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस जो फूड ग्रेन्स है या हार्वेस्ट है या क्रॉप्स है जो बच रही है उसको स्टोर करने के लिए भी. तो आप ये देख रहे हैं कि एक वेरिएशन आती जा रही है. आप शुरुआत में देख रहे हैं कि जो स्टोन एज पीरियड था जो पैलियोलिथिक था उसमें आप क्या देख रहे थे, उसमें सिर्फ किसी तरीके से भोजन मिल जाए ये इम्पोर्टेंट था. दूसरे पीरियड में खास करके मेसोलिथिक में आप ये देखते हैं कि उसमें जो है खेती की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन आप जो नियोलिथिक में जब आते हैं तो आप ये देखते हैं कि किस तरीके से स्टोरेज जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि अब सरप्लस में खेती हो रही है. और सरप्लस में खेती होना ही एक स्थायित्व तो समाज की जो है स्थिति को दर्शाता है. जो उसके जो पांचों एस्पेक्ट होंगे यानी कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक होगा और धार्मिक होगा, इन सारे जो है जो पक्ष होंगे इनको जो है बड़ा करने में मदद करेगा. पॉटरी वॉज यूज फॉर कुकिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं. लार्ज अर्न्स वेयर यूज एज अ कॉफिन्स फॉर द बरियल ऑफ डेड. लार्ज अर्न्स का मतलब होता है बड़े बड़े कलश वगैरह बनाए जाने लगे, जिसमें क्या करते थे, जो व्यक्ति को जो बरियल डेड होता था, जो व्यक्ति मृत्यु हो जाती थी जिसको, उसको उसमें उसके फॉसिल्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए मदद लिया जाता था. देयर वाज आल्सो इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर. अब देखिए अब खेती में भी वेरिएशन आने लगी है. अब जो है वीट, बार्ले यानी कि गेहूं, जौ, बाजरा और चावल, अब मोटे दाने जो है इनकी भी खेती की जाने लगी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम और वक्त के साथ साथ. राइस कल्टिवेशन वॉज एक्सटेंसिव इन ईस्टर्न इंडिया. और पूर्वोत्तर भारत में खास करके जो है जो चावल की खेती थी उसको जो है बड़े स्तर पर किया जाने लगा था. डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप, गोट्स एंड कैटल वॉज वाइडली प्रेवेलेंट. और जो पशुओं को जो पाला जाता था उसमें कौन कौन से जीव थे, उसमें थे खास करके भेड़े थी, बकरियां थी और कैटल जो पालतू जानवर होते हैं उनका भी बड़े स्तर पे जो है इस्तेमाल किया जाता था. उनका जो है ट्रांसपोर्ट के लेवल पे भी इस्तेमाल किया जा रहा था. द पीपल ऑफ नियोलिथिक एज यूज्ड क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल. और जो नवपाषाण युग के लोग थे वो क्या करते थे, अब वो कपड़े वगैरह भी पहनने लगे थे जो कि किस चीज के बने थे, कॉटन और वूल के बने हुए थे. अब हम जो है जो धातु युग है वो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. धात्विक युग या धातु एज जिसे मेटल एज कहा जाता है. द नियोलिथिक पीरियड इज फॉलोड बाय चाकोलिथिक पीरियड व्हेन कॉपर एंड ब्रॉन्ज केम टू यूज. अब क्या होगा, जो कांस्य युग होगा उसकी शुरुआत होगी यहां पर. और उसमें क्या होगा कि कॉपर और ब्रॉन्ज जो होता है उसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर शुरू किया जाएगा. कांस और तांबे का जो है इस्तेमाल शुरू किया जाएगा. द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल ओर एंड क्राफ्टिंग मेटल आर्टिफैक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन. धातुओं को गलाकर उनका इस्तेमाल करने की जो तकनीक है इसने जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन जो मानवीय सभ्यता के विकास में जो है सबसे बड़ा ये पत्थर का मील साबित हुआ. बट द यूज ऑफ स्टोन टूल्स वॉज नॉट गिवन अप. लेकिन पत्थरों का इस्तेमाल आने वाले टाइम में भी छोड़ा नहीं गया. सम ऑफ द माइक्रोलिथिक टूल्स continued to be essential items. People began to travel for a long distance to obtain metal ores. और इसमें क्या हुआ कि लोगों को जो है बड़े स्तर पर जो है मेटल ओर्स के लिए जो है लोग यात्राएं वगैरह करने लगी ताकि उन्हें कच्चा जो है धातु की मात्राएं मिले और उसका इस्तेमाल जो है वो पकाने के बाद कर सके. दिस लेड टू अ नेटवर्क ऑफ चाकोलिथिक कल्चर. और इससे क्या हुआ, एक जो है जो ताम्र पाषाणिक जो सभ्यता है उसकी शुरुआत होगी. चाकोलिथिक कल्चर वॉज फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. और चाकोलिथिक जो सभ्यता है उसके जो है कई जो है एग्जांपल्स मिलेंगे पूरे इंडिया में.
तो हम लोग जो है एक नए फेज में जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो जनरली चॉकोलिथिक कल्चर्स हैड ग्रोन इन रिवर वैलीज, तो जो चॉकोलिथिक जो जो चीज़ें हैं या कल्चर है या संस्कृति है वो डेवलप किस में होगी, नदी घाटियों के किनारे होंगी। ज़्यादातर जो विश्व की जो सबसे बड़ी सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे ही डेवलप हुई हैं, जैसे कि जब आप इजिप्शियन जो है कल्चर को पढ़ेंगे या वहाँ की जो सिविलाइजेशन उसको पढ़ेंगे तो वो नील नदी के किनारे डेवलप हुई। आप जब मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ेंगे तो वो भी जो है दजला फरात के किनारे डेवलप हुई। और आप जब अमेरिका में भी जब कोई जो कल्चर है वो डेवलप हुआ वो कहाँ पे हुआ, मसूरी नदी के किनारे जो है डेवलप होगा। साउथ अमेरिका जो लैटिन अमेरिका है वहां पर भी क्या होगा, नाइल नदी के किनारे ही, वो नाइल नहीं अमेजॉन नदी के किनारे ही ज्यादातर चीजें डेवलप्ड होंगी। आप इसको जो है एज अ जो है क्या है मैचिंग वेरिएशन के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं। साउथ इंडिया द रिवर वैली ऑफ द गोदावरी कृष्णा तुंगभद्रा पेन्नार एंड कावरी वेर सेटल्ड बाय फार्मिंग कमिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये वही दौर था जब दक्षिण भारत में भी खास करके जो नदियां हैं गोदावरी जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, कृष्णा आंध्र प्रदेश में बहती है, तुंगभद्रा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है, पेन्नार जो है केरल और वही साइड में है, और कावेरी जो है कर्नाटक में बहती है। वे सेटल बाय फार्मिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी वक्त में जो है यहाँ पर जो है जो खेती करने वाली जो कम्युनिटीज थी या समुदाय था वो यहीं पर स्थायित्व प्राप्त किया। ऑल्दो दे वेर नॉट यूजिंग मेटल्स इन द बिगिनिंग ऑफ मेटल एज, लेकिन एक चीज याद रखिएगा जो धातु युग की शुरुआत होती है तो तभी जो है सब धातु का इस्तेमाल ही नहीं करने लगे थे। देयर इज एविडेंस ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स बाय द एंड ऑफ द सेकंड मिलेनियम बीसी, और जो सेकंड मिलेनियम बीसी था उसके अंत में ही जो है जो कॉपर और ब्रॉन्ज के जो हथियार वगैरह हैं आर्टिफैक्ट्स उनसे बनाई हुई जो पतले धातुओं की सामान है उनका इस्तेमाल शुरू हुआ था। सेवरल ब्रॉन्ज एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स बीड्स टेराकोटा फिग्रीन्स एंड पॉटरी वेयर फाउंड एट पयंपल्ली इन तमिलनाडु, बहुत सारे जो हैं ब्रॉन्ज की और कॉपर की जो हैं जो बीड्स हैं, बीड्स का मतलब क्या होता है, जो मनके वगैरह होते हैं ना जो गले में पहना जाता है औरतों के माध्यम औरतों द्वारा जो है सौंदर्य प्रधान वस्तुओं के तौर पे, और टेराकोटा फिग्रीन्स जो बच्चों को खेलने के लिए जो छोटे छोटे जो गुड्डे गुड़िया या धातुओं के जो खिलौने होते हैं उनको बोला जाता है टेराकोटा फिग्रीन्स, और पॉटरी जो होते हैं जो पॉट्स वगैरह होते हैं या मटके वगैरह होते हैं पयंपल्ली में कई जो है बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। द चॉकोलिथिक एज इज फॉलोड बाय आयरन एज, और ये जो चॉकोलिथिक एज है इसके बाद क्या होता है एक लौह युग की शुरू हो लौह युग की जो है शुरुआत होगी। आयरन इज अ फ्रिक्वेंटली रिफर्ड टू इन द वेदास, अब क्या है वेद में जो है लोहा के बारे में बात की गई। द आयरन एज ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला इज ऑफन रिलेटेड टू मेगालिथिक बरियल्स, अब क्या होगा इसमें जो है मेगालिथिक बरियल्स के भी जो है एग्जांपल्स मिलेंगे। मेगालिथिक मींस लार्ज स्टोन, मेगालिथिक का मतलब क्या होता है, मेगा मतलब क्या होगा बड़ा होगा, लिथ माने क्या होता है पत्थर होता है, तो बड़े पत्थरों के इस्तेमाल के बारे में भी बात होगी। द बरियल पिट्स वेयर कवर्ड विद दीज स्टोन्स, और जो क्या होता था जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसके बाद जब उसे दफनाया जाता था तो उसको जो है इन बड़े बड़े पत्थरों से जो है दाब दिया जाता था। सच ग्रेव्स आर एक्सटेंडली फाउंड इन साउथ इंडिया, और दक्षिण भारत में इस तरीके की बहुत ज्यादा जो है कब्रें हैं वो मिली हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर हल्लूर एंड मस्की, ये कहां पर है कर्नाटक में है, नागार्जुन कोंडा कहां है आंध्र प्रदेश में है, और अधिच चंदलूर, ठीक है, अधिच चना चनल्लूर इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ये स्थान है। ब्लैक एंड रेड पॉटरी जो है इसमें मिलेगी, यानी कि लाल और काले जो है बर्तनों के भी यहाँ प्रकार मिलेंगे। आयरन आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, और आयरन आर्टिफैक्ट्स मतलब समझिए कि लोहे के बने हुए कुछ तेज धार वाले हथियार वगैरह मिलेंगे, होज एंड सिकल्स मिलेंगे, और स्मॉल वेपन्स वेयर फाउंड इन द बरियल पिट्स, और जो कब्रें होंगी उसमें भी बहुत सारे जो है हथियार वगैरह और हंसिया वगैरह ये सारी जो है एज अ रिचुअल के तौर पे रखेंगे। तो यहीं तक जो है मैं आपको इस सेकेंड लेसन में जो है मैं एक्सप्लेन किया मेटल एज तक, और जो हमारा इस ये वीडियो दरअसल काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसका सेकंड पोर्शन भी कवर करूंगा, तो उसमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सेकंड पार्ट में लेसन टू के जो है मैं उसमें जो है काफी कंसाइज वे में उसको जो है डिस्कस करूंगा। और तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।